करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस साल करवा चौथ 4 नवंबर यानी कल मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश के साथ चांद की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले खाने पीने के लिए उठती हैं और फिर सूर्यास्त तक निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ व्रत के दौरान महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाती पीती नहीं है। इस मौके पर व्रत करने वाली महिलाएं श्रेष्ठ दिखने के लिए पारंपरिक पोशाक जैसे साड़ी या लहंगा पहनती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती है और दुल्हन की तरह श्रृंगार करती है और आभूषण पहनती है। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर केवल महिलाओं का समारोह आयोजित किया जाता है, जहां वे अपनी पूजा थालियों के साथ एक मंडली में बैठती है। स्थानीय परंपराओं के आधार पर पूजा गीतों के साथ करवा चौथ की कहानी सुनाई जाती है और पूजा के बाद महिलाएं आसमान में चंद्रमा के दिखने का इंतजार करती है। एक बार जब चंद्रमा दिखाई देता है तब व्रत करने वाली महिला एक छलनी के माध्यम से पानी से भरे बर्तन में चांद या उसके प्रतिबिंब को देखती है और फिर छलनी से अपने पति को देखती है। व्रत करने वाली महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती है, फल और मिठाई चढ़ाती है और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। उसके बाद पति थाली से पानी और फल लेता है और अपनी पत्नी को व्रत तोड़ने के लिए खिलाता है। पति के हाथों से पानी पीने के बाद पत्नी अपना व्रत तोड़ती है। महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत काफी अहम माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत से व्रती महिलाओं के पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य पुत्र पौत्र के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंपरा अनुसार सास बहुओं को सर्गी भेंट करेगी, बहू सर्गी के प्रसाद को ग्रहण करके व्रत रखेगी। अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए
और उसके पति को जीवन दान प्राप्त किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। आप सभी माताओं को, बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, आपके और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े।